बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। होम मेड नेचुरल फेशियल, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्किन पॉलिश करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी किस्म का कोई फेशियल वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुदरती फेशियल जिसको आप घर में तैयार करें और फिर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके चेहरे की रंगत भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। चेहरे पर दाग धब्बे मौजूद है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, चेहरे पर आयल है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, चेहरे पर एक्नी दानों के निशानात या एक्नी दाने वगैरह मौजूद हैं तो आपकी स्किन के तमाम मसाइल हल करेगा। बेहतरीन फेशियल है जिसको आप कलर फेयर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्किन के तमाम मसाइल को करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर उम्र के अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चियां, कम उम्र लड़कियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बल्कि नेचुरल फेशियल है जो आपका कलर भी निखार देगा और आपकी स्किन के तमाम मसाइल को भी हल करेगा। मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने इस फेशियल को तैयार करना है और फिर इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे तैयार करना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, आपने करना ये है कि एक अदद केला लें जिसको मैश कर लें अच्छी तरह से एक प्याली में एक अदद केला आप मैश कर लें, उसमें एक चम्मच लेमन जूस ऐड करें और एक अंडे की जर्दी आपने मिक्स कर लेनी है। एक अदद बनाना लेना है, केला लेना है जिसको आपने मैश कर लेना है एक प्याली में और उसमें एक चम्मच लेमन जूस ऐड करना है और एक अदद अंडे की जर्दी मिक्स कर लेनी है। इन तीनों अज़ा का आपने अच्छी तरह से मिक्सर बना लेना है और अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करना है। तकरीबन 15 मिनट तक आप इसको स्किन पर लगा रहने दें, उसके बाद आप वॉश कर लें। नाज़रीन, रोज़ाना आप इसका इस्तेमाल करें, आपको स्किन का कलर भी फेयर हो जाएगा, आपकी स्किन के तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे और अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हफ्ते में 2-3 दिन इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मुसलसल आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पहले ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।